थे, धमकाते थे, जान की धमकी, इज्जत व आबरू को भी खतरा लायक था। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से जो आपको हुक्म मिला था, एक कदम भी पीछे नहीं हटे, आगे ही बढ़ते गए। शुरू शुरू में चंद सहाबा इस्लाम लाए और दारे अरकम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ऑफिस बनाया कि यहां वो लोग आए जिन्होंने ईमान लाया है, इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लबैक कहा है। लिहाजा उस घर के अंदर, दारे अरकम के अंदर वो सहाबा की चंद तादाद या अफराद कहिए बैठते थे, वो भी छुप कर आते थे कि किसी को पता ना चले, कोई जान ना ले। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर के अंदर उन चंद अफराद को लेकर इस्लाम की दावत और तबलीग की बातें करते, मशवरा क्या करते थे कि अब क्या करना है, कल किसके पास जाना है, किसको समझाना है। ये धीरे धीरे लोग हक को समझने लगे और कबूल करने लगे। दारे अरकम ही के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी दिनों तक रहे, सहाबा वहीं आते जाते रहे, काफिरों को जब पता चला, मुस्लिमों को जब पता चला कि इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है और ये अपना ऑफिस और सेंटर दारे अरकम को बनाया हुआ है, सहाबा इकराम के दिलों में और भी डर घुस गया। वो धमकियां देने लगे, कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास आते और कहते कि आप अपने भतीजे को इस मिशन से रोक लीजिए वरना आप हमारे और उनके बीच से हट जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो चचा इनायत फरमाया था कि आपको आपके चचा ने हुक्म दिया, फरमाया कि भतीजे मोहम्मद जाओ तुम अपने मिशन में लगे रहो और जहां तुमको मेरी मदद की जरूरत पड़े बुला लेना। अगरचे वो इस्लाम नहीं लाए, कुफ्र ही पर मरे, लेकिन उसके बावजूद उनका इतना काम था, इतनी मदद थी। मुसलमान चोरी छुप के नमाज पढ़ते थे, छुप छुप कर नमाज पढ़ते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नजरों से छुप कर अपनी दावत पेश करते थे। जब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए, कैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ दारे अरकम में थे, हजरत उमर घूमते फिरते पता किया कि मोहम्मद और उनके साथी कहाँ हैं। लोगों ने बताया कि वो तो दारे अरकम में है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अपनी तलवार लिए, उसको नियाम में डाले और निकल गए, जाकर दरवाजा खटखटाया, आवाज दी दरवाजा खोलो। सहाबा किराम जो अंदर मौजूद थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, डरे घबराए, कौन है,
एक सहाबी उठकर आए और दरवाजे की सुनाफ से झांक कर देखा और कहने लगे कि अल्लाह के नबी हजरत उमर है। और ये तो थे ही बड़े बारो, लोग इनसे डरते थे, इतने बहादुर और बाहिम्मत थे। जैसे उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी बाहर को हजरत उमर खड़े हैं और दरवाजा खटखटा रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से कितनी मदद होती है। इत्तेफाक अंदर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक बड़े बहादुर बाहिम्मत, उन्होंने कहा हजरत हमजा ने कि डरो मत, घबराओ नहीं, दरवाजा खोल दो, अगर उमर सही इरादा लेकर आए हैं तो हम उनके साथ खैर का मामला करेंगे, और अगर किसी बुरी नीयत से वो आया है तो फिर उन्हीं के तलवार से उनके सर को कलम किया जाएगा। जाओ खोलो दरवाजा। सहाबी जाते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, हजरत उमर सीधे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के कपड़े और तलवार दोनों को मिलाकर पकड़ कर छटका, कहते उमर अब भी नहीं सुधरोगे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी वही अल्लाह ताला जिल्लत वाला मामला फरमाए जो दूसरे काफिलों के साथ फरमाया। हजरत उमर खामोश, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर समझाया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला को बगैर कुछ कहे कलमा शहादत पढ़ी, और उनका कलमा पढ़ना था कि सहाबा में एक जोश पैदा हुआ, हिम्मत आई, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। एक सहाबी ने कहा कि उमर, गुज़श्ता जुमेरात की रात मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ फरमाते हुए सुना था, अल्लाह इस इस्लाम को मजबूती अता फरमा, उमर बिन खत्ताब के जरिए या अबू जहल के जरिए। अल्लाह ताला ने तुम्हें तौफीक दी और ईमान लाए। कहा कि जब ऐसी बात है कि अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में दुआ की कि इस्लाम को तकवीयत हो, इस्लाम मजबूत हो, तो अब ये छुप छुपा कर नमाज बंद करो, अब अल्लाह की जो भी इबादत होगी या ऐलान होगी, और फिर धीरे धीरे मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, सहाबाए किराम की जमात मजबूत होती गई। उसी का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की आयत के अंदर एक मिसाल से वाज़ह फरमाया, कसर इन अखरज शक्अहु فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع। कि इब्तिदा में इस्लाम कैसा था और फिर इस्लाम कैसे फले फूले और फिर इस दुनिया पर छाए। कहा कि किसान एक बीज जमीन पर डालता है और उससे एक मामूली कुंपल निकलता है, बहुत ही नाजुक होता है, हाथ लगाए तो टूट जाए, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, पत्ते छोड़ता है, उसका तना मजबूत होता है, और जब वो पौधा वो दरख्त शबाब में होता है अपने फल फूल के साथ, तो वही किसान जो एक मामूली दाने को जमीन पर डाला था मायूसी कि आलम में अब इन फले फूले फलदार फूल वाले पत्तेदार हरे भरे दरख्त और पौधों को देखकर वो खुश होता है। लियो जिबुल कुफा, किसान खुश होता है,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद डाली, चंद सहाबा ईमान लाकर उस बीज से कोंपल निकल आए और फिर मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, मजबूत होते गए, हले फुले हरा भरा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मौत से पहले सहाबा किराम को देखकर खुश होते थे कि आज हमारे मानने वालों की इतनी बड़ी तादाद, दल में अकेला था, चंद साथी मेरे थे, आज लाखों हजारों की तादाद में। हज्जत अल-वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों सहाबाए किराम की मौजूदगी में तकरीर की, मामूली तादाद। जब आप मरज़ुल मौत में मुब्तला हुए, मस्जिद जाना आना आपके लिए मुश्किल हो गया। एक दिन आपने हुक्म भेजा कि अबू बकर से कहो कि तिलावत कराए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के दरवाजे से पर्दे को हटाकर झांक कर देखे और मुस्कुराने लगे। आपको अपने साथियों पर इतना भरोसा, इतना एतमाद था कि अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो मेरे सहाबा मेरे पास जोड़ को संभाल लेंगे, मेरी उम्मती मेरे मिशन को आगे बढ़ा लेंगे। ये इस्लाम के अंदर मजबूती आई। कसरी अखरज शरहु फआजरहु फस्तगलज फस्तवा अला सूकी, अपने पांव पर खड़े हो गए सहाबा किराम, किसी से अब डरना नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं, और जिस इलाके में गए उस इलाके को फतह करते गए, मुसलमानों का झंडा गाड़ते गए। वो सहाबाए किराम है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहात मिनहुम मग़फिरतन वअज्रन अज़ीमा, इनमें से जो ईमान लाए और अमल सालेह किए अल्लाह ताला ने उनसे वादा फरमाया। किस चीज का? मग़फिरत का, कि अल्लाह ताला इन सब को बख्श देगा। वो अजरन अज़ीमा, और बहुत बड़े अजर का अल्लाह ताला ने इनसे वादा फरमाया। कितना वादा फरमाया? सही बुखारी जिल्द सानी किताबे मगासी के अंदर लंबी हदीस है कि जो सहाबा ग़ज़वे बदर में शरीक हुए थे, जब मुसलमानों को कामयाबी मिल गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान से जमीन की तरफ झांक कर देखा, उन लोगों पर नजर डाली जो ग़ज़वे बदर में हाजिर थे, शरीक थे, शामिल थे, और क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, एमलु मा शितुम कद गफरतु लकुम, कह मेरे नबी के साथियों अब तुम दुनिया में जो चाहो करो, मैंने तुम सबको बख्श दिया। अगर वो नमाज ना पढ़ते तब भी बख्शिश का फरमाना मिल चुका था, वो रोजा ना रखते तब भी उनकी मग़फ़िरत का ऐलान हो चुका था, लेकिन वो तो नमूना थे लोगों के लिए, आइडिया थे। ऐसा नहीं है कि इस खुशखबरी को सुनकर वो घरों में बैठ गए, बल्कि उनके दिल का जज्बा और बढ़ा और वो हिम्मत हुए कि ना, कल तक हमने जितने काम किए आज हमें उससे भी ज्यादा कर दिए, शायद इससे भी किसी खास फजीलत का ऐलान अल्लाह
की तरफ से आए, बिला की अल्लाह ताला की तरफ से वो खास फजीलत का ऐलान आ गया रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ुआन। जा अल्लाह इनसे राजी और ये अल्लाह से राजी। इस आयत के इस आखिरी जुमले में अल्लाह ताला ने सहाबा किराम की इब्तिदाई हालत और उनके दिन ब दिन तरक्की करने का जो रवैया था, उनका जो तौर तरीका था, अल्लाह ताला ने उसको वाज़े किया और फिर मग़फ़िरत और अज़र अज़ीम का अल्लाह ताला ने उनसे वादा फरमाया और फिर अपनी रिजामंदी का अल्लाह ताला ने इजहार फरमाया। ये वो सहाबा किराम की जवाब है। इसलिए हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि ऐ लोगो, अगर तुम्हें किसी की इब्तिदा करनी है तो सहाबा किराम की इब्तिदा करो, उनके नक्शे कदम पर चलो, ताकि उनको जिस तरह मग़फ़िरत बख्शीश और अजर अजीम का परवाना मिला था, उनके नक्शे कदम पर चलकर तुम भी मग़फ़िरत और बख्शीश और अजर अजीम के मुस्तहिक ठहर जाओ। और अगर सहाबा के नक्शे कदम को तुमने छोड़ा तो दुनिया में भी तुम्हें जिल्लत का सामना करना होगा, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद होगी। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने सहाबा किराम के इन वाकियात को इसलिए बयान फरमाया ताकि रहती दुनिया तक के मुसलमान सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चले। अल्लाह ताला हम सबों को नेक तौफीक से नवाजे, सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए।